नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया और धमाकेदार समीकरण बनता हुआ दिख रहा है, जिसे देखकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के माथे पर बल पड़ सकते हैं। दरअसल ये समीकरण दो बेहद ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं आजम खान और चंद्रशेखर आजाद के बीच बनने वाले गठजोड़ का है। अगर ये दोनों एक साथ आए तो यूपी की सियासत में तूफान आ सकता है, खासकर पश्चिम यूपी में, जहां दलित और मुस्लिम मतदाताओं का वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। ये सियासी समीकरण उस वक्त और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब देखा जा रहा है कि पश्चिम यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से आजम खान से नजदीकी बढ़ाई, उससे लगता है कि वे केवल सीटें जीतने की राजनीति नहीं बल्कि दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनने का इरादा रखते हैं। उनके आजम खान से मिलकर और उनकी मदद से राजनीतिक पंख फैलाने के संकेत साफ हैं। गुरुवार को सीतापुर जेल में चंद्रशेखर आजाद की आजम खान से मुलाकात और इससे पहले अब्दुल्ला आजम से हरदोई जेल में हुई मुलाकात, दोनों ही घटनाएं इस बात का इशारा करती हैं कि पश्चिम यूपी में एक नया राजनीतिक भूचाल आने वाला है। इसके पीछे एक साफ संदेश है, अगर आजम और चंद्रशेखर एक हो गए तो पश्चिम यूपी में दलित मुस्लिम समीकरण सपा और बसपा के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। अखिलेश यादव के लिए यह स्थिति खासकर चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि आजम खान हमेशा सपा के मुस्लिम वोट बैंक का अहम हिस्सा रहे हैं। जब सपा पर आरोप लगता रहा है कि वो मुश्किल घड़ी में आजम खान का साथ नहीं दे पाई, तो अगर अब आजम और चंद्रशेखर के बीच गठजोड़ बनता है तो ये सपा के लिए भारी पड़ सकता है। यहां तक कि चंद्रशेखर ने उपचुनाव के दौरान एक बयान देकर ये साफ कर दिया था कि वह केवल सीटें जीतने की राजनीति नहीं कर रहे बल्कि वह दलितों की सशक्त आवाज बनकर उभरेंगे। उन्होंने अखिलेश यादव को भी चेतावनी दी थी कि अगर वह सपा के नेतृत्व से दलितों के अधिकारों की बात नहीं करेंगे तो चंद्रशेखर आजाद अपना रास्ता खुद बनाएंगे। यदि चंद्रशेखर आजाद और आजम खान एकजुट होते हैं तो पश्चिम यूपी में ये नई सियासी जोड़ी सपा और बसपा के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, खासकर उस इलाके में जहां दलित और मुस्लिम वोटों का संगम है। ऐसा माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन में उतनी तवज्जो नहीं मिल रही जितनी उन्हें चाहिए थी, और इसी वजह से वह उपचुनाव में करहल सीट पर भी प्रत्याशी उतारने के लिए मजबूर हुए। यानी कि देखा जाए तो 23 नवंबर को उपचुनाव के परिणामों के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है, और अगर यह आजम चंद्रशेखर की जोड़ी साथ आती है तो यूपी के राजनीतिक समीकरण को उलटने में देर नहीं लगेगी। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।